नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज। मेरे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और बने रहें बीएनबी से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। बुद्धिस्ट कुंफू सेकंड स्टेट स्कूल चैंपियनशिप गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक कार्यक्रम के क्षेत्र में खूब हो रही है सराहना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बीएनबी की लेटेस्ट खबरें। आइए रुख करते हैं सराहना हो रही विद्यालय की खबरों की ओर। लिटिल स्कॉलर अकेडमी एवं लिटिल माउंट पब्लिक स्कूल में दो दिवसीय कुंफू मार्शल आर्ट्स का सेकंड स्टेट स्कूल चैंपियनशिप का आयोजन डायनेमिक अकेडमी इंडिया एवं बुद्धिस्ट कुंफू एसोसिएशन ऑफ पूर्वांचल की ओर से किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भूतपूर्व खेल मंत्री जितेंद्र जायसवाल, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिनेश सिंह हजुला अधिकारी नेहरू युवा केंद्र से सीमा पांडे, लिटिल माउंट स्कूल के ट्रस्टी श्रीमती सर शिखा मिश्रा, प्रिंसिपल सतीश चौबे, लिटिल स्कॉलर एकेडमी के डायरेक्टर शशांक शेखर साहब, प्रिंसिपल विदिशा सिंह और बुद्धिस्ट कुंफू फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट बी आर बिश्नोई उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में 400 से भी ज्यादा विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें कई सारी एक्टिविटीज जैसे कि योगा, जिम्नास्टिक, काता, कुंफू, मार्शल आर्ट्स, फाइट, डांसिंग, स्केटिंग, सिंगिंग, मिमिक्री, एक्टिंग, ड्राइंग, इस प्रकार की अनेकों एक्टिविटीज में बच्चों को अपना टैलेंट को दिखाने का बहुत ही भव्य सुंदर प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया, जिसमें सभी स्कूल के बच्चों ने अपनी मनपसंदीदा कलाओं में भाग लेकर बहुत ही अच्छे परिणामों के साथ अपने पेरेंट्स एवं स्कूल का नाम रोशन किया। इन सब एक्टिविटीज में विजेताओं को बुद्धिस्ट कुंफू फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट बी आर बिश्नोई एवं प्रशांत त्रिपाठी सर और स्कूल के प्रिंसिपल एवं ट्रस्टी के हाथों से गोल्ड मेडल सर्टिफिकेट के साथ बुद्धिस्ट कुंफू की टी शर्ट और ट्रॉफी दी गई। साथ ही में लिटिल स्कॉलर एकेडमी के विद्यार्थी आयुष कुमार और लिटिल माउंट पब्लिक स्कूल की विद्यार्थी अंजलि कुमारी को विजेता के रूप में साइकिल उपहार में दी गई। इस कार्यक्रम को देखने के लिए भारी संख्या में आए हुए सभी बच्चों के परिवारजन, शिक्षक, शिक्षिकाओं ने ऐसे चैंपियनशिप को कभी नहीं देखा। सभी उपस्थित मेहमान और पेरेंट्स देखकर बहुत ही आनंदित हुए और आए हुए सभी लोगों की खुशियों को देखकर मुख्य अतिथि जितेंद्र जायसवाल सर ने कहा कि मैं ऐसे कार्यक्रम को आयोजन करने वाले एसोसिएशन एवं स्कूल प्रबंधक को बधाई देना चाहता हूं और कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम प्रतिवर्ष बच्चों के विकास के रूप में होना चाहिए। आइए देखते हैं कैसा हुआ कार्यक्रम और किसने क्या कहा। तो फिर आप बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। ये सेकंड स्कूल स्टेट चैंपियनशिप बुद्धिस्ट कुंफू फेडरेशन ऑफ इंडिया के एफिलिएशन में डायनेमिक एकेडमी इंडिया व बुद्धिस्ट कुंफू एसोसिएशन पूर्वांचल ने आयोजित किया, जिसमें लिटिल माउंट पब्लिक स्कूल व लिटिल स्कॉलर एकेडमी ने हमें सहयोग किया। दोनों हमारे वेन्यू पार्टनर हैं। इसमें 500 के आसपास बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 12 स्कूलों से लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है। इन लड़कों का जोश देख के हमें उत्साह खुद लगता है कि इतने कम समय में बच्चों ने इतने अधिक प्रतिभाएं अपनी दिखाई, जिसमें हम लोगों ने डांस, मिमिक्री, एक्टिंग, फैंसी ड्रेस, क्राफ्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, योगा, मार्शल आर्ट आदि चीज़ों का सहभाग रहा, जिसमें आप देख सकते हैं 4 साल के बच्चों से लेकर के 18 साल तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और अपनी प्रतिभा को दिखाने की पूरी कोशिश की। हम सभी अभिभावकगण, स्कूल मैनेजमेंट और ख़ासतौर पे मेरे नेशनल हेड भरत बिश्नोई सर के आभारी हैं कि जी इन्होंने हमें इस सब आयोजन में मदद किया। इसमें नेहरू युवा केंद्र का खास योगदान रहा और तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें आर्थिक सहयोग भी किया, इसलिए मैं सभी का आभारी हूँ। और इस तरह के आयोजन हमेशा होते रहेंगे, ऐसे हम कोशिश करेंगे ताकि हमारे इन बच्चों को प्रतिभा दिखाने के बहुत से मौके मिलते रहें और बच्चे अपने आप को एक डायनेमिक पर्सनैलिटी बनाने में मदद करें। थैंक यू वेरी मच। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज़ के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।